गाइस स्वागत है एक और नए सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो में। तो गाइस मैं यहाँ पे लूट कर रहा था, यहाँ पे स्कैनर भी लगा था, यहाँ पे मुझे एक बंदे का पैरों का आवाज़ आता है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाक से सतर्क हो जाता हूँ। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में क्या होता है। गाइस मैं खुद का जाल में फंस के मर जाता हूँ। यहाँ पे सामने बंदा आया, उसको यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। इसके बाद इसको क्लियर करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लूट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्कैनर में देख लीजिए गाइस, एक भी रेड डॉट नहीं आ रहा है, पूरा जगह खाली था, लेकिन यहाँ पे एक रेड डॉट मुझे दिखा, इसलिए मैं फटक से सतर्क हो गया। यहाँ पे फोर स्टेप आ रहा था मेरे को ऊपर से, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि चूँकि ये नया मैप है इसलिए कुछ समझ में नहीं आता गाइस कि बंदा कहाँ से आएगा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सावधान होकर खेलना पड़ता है। और मैं खेल रहा था गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो आप लोग जानते होंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड कितना हार्ड होता है, चार चार बंदे रहते हैं सामने। यहाँ पे सामने बंदा था, पूरा रेड नंबर देकर इसको भी नॉक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको भी क्लियर किया गाइस। इसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस मज़ा आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे मैं बहुत देर इधर उधर घूमता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा लूट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एनिमी नहीं दिखता है। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ इधर रिवाइव हुआ है, यहाँ पर फिर भी मैं यहाँ पे बॉडी शॉट मार के यहाँ पे डैमेज दे रहा था गाइस। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे एक ही जगह में चार पांच बंदे आ जाते हैं, मैं चारों तरफ से फंस जाता हूँ गाइस। यहाँ पे देखिए स्कैनर में देखिए गाइस हर जगह रेड डॉट ही रेड डॉट दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा कवर में जाता हूँ पीछे। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। अभी वीडियो को लाइक कर देना गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना गाइस। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा कवर में आ जाता हूँ घर के अंदर, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होने वाला है। चारों तरफ बंदे हैं, तीनों तरफ रेड डॉट आ रहा है, यहाँ पे सामने भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छुप के कवर लेके खेल रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखिए गाइस क्या होने वाला है, यहाँ पे पीछे से एक फोर स्टेप आता है, ये जो सामने बंदा दिख रहा है ना वो सामने से आ जाता है, पीछे से घूम के आता है मुझे मारने के लिए। मेरा तो एचपी एकदम खत्म ही हो जाता है, फिर भी मैं देखिए गाइस अभी क्या करने वाला हूँ उस बंदे के साथ। तब तक सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कर देना गाइस, सभी लोग लाइक कर देना यार, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं इस बंदे के साथ अभी क्या करने वाला हूँ मैं, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे सामने जो बंदा था अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि उसके पास वॉल नहीं है ना, इसलिए और पता है इस में हर जगह पूरा खाली खाली हर जगह खाली खाली दिखेगा, कहीं कवर नहीं है। यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, उसका टीममेट यहाँ पे रिवाइव करने उसको आ जाता है, लेकिन वो रिवाइव कर देता है, मेरे यहाँ पे किल भी नहीं आता है और वो बंदा रिवाइव कर देता है। चलो एक किल आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर एक बंदे को नॉक करता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। पीछे से यहाँ पे बंदा आया, फोर स्टेप आया, यहाँ पे मैं नॉक करता हूँ, कतई जहर वाला मोमेंट दिखा था यहाँ पे, उसको नॉक किया। इसके बाद यहाँ पे उसको क्लियर किया गया, बहुत डैमेज दिया था, हेडशॉट तो दे ही दिया था मुझे भी, लेकिन फिर भी मैं कवर में रहकर खेल रहा था, इसलिए मैं मेरे को पता चल गया था ना कि पीछे से फोर स्टेप आ रहा है, इसलिए मैं फटक से पीछे गया। अगर मैं वहीं पर खड़ा रहता तो मेरे को मार के चला जाता। यहाँ पे साइलेंसर भी मिल गया, 4x भी मिल गया, अब देखते हैं क्या हो सकता है। 4x भी मिल गया, मतलब गेम प्ले थोड़ा मज़ा आएगा। 4x तो नहीं मिला अभी, 4x नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा, देखता हूँ इधर कहीं पर हम देखा था 4x। ये चलो इनहेलर उठा लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखता हूँ गाइस क्या होने वाला, मेरा किल हो चुका है यहाँ पे चार। तुम्हारा भाई आज बोया निकालने वाला, बोया नहीं निकालेगा तो कम से कम 7-8 किल निकालेगा। सामने बंदा दिल में बैठ गया रिवाइव करने, तो चलिए मैं यहाँ पे फटक से जाता हूँ, चूँकि यहाँ पे चारों तरफ से बंदा है इसलिए थोड़ा कवर में रह के खेलना पड़ रहा है। मेरे पास वॉल भी नहीं है ज़्यादा, दो वॉल है, तो यहाँ पे चिमकांडी खंभे के पीछे छुप के रैप कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बॉडी शॉट देख के डाउन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक वॉल लगा के इसको क्लियर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस क्या होता है, इसका यहाँ पे टीममेट मुझे यहीं पे सामने है, इसका टीममेट सामने है, इसलिए मैं यहाँ पे एक और ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। रिक्स नहीं लेता हूँ क्योंकि भाई अगर मैं मर गया तो फिर से रिवाइव भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। तो इसीलिए यहाँ पे इस बंदे को मार दिया, मेरा किल हो चुका है 5। यहाँ पे देखते हैं पेटी में कुछ है क्या, पेटी में कुछ नहीं है, बंदा भी जस्ट रिवाइव हुआ था। यहाँ पे सामने ड्रॉप के पीछे एक बंदा उतरा है, अब मेरे पास वॉल यहाँ पे बस एक है, देखता हूँ इस बंदे को मार पाता हूँ कि नहीं। भाई कतई जहर वाला डैमेज दे रहा है यार, एक ही वॉल था जो कि मैं लगा दिया हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो वॉल चाहिएगा, लेकिन वॉल तो मेरे पास है नहीं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। अगर ये बंदा यहाँ से निकलता है तो मैं बच जाऊँगा, अगर नहीं निकला तो फिर सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं इसको लास्ट में जरूर देखना गाइस, मैं अपना ही ट्रैप में फंस जाता हूँ, ठीक है, लास्ट में मैं अपना ही ट्रैप में फंस जाता हूँ, खुद लैंडमाइन लगाता हूँ और खुद मर जाता हूँ लास्ट में। देखिए बहुत फनी सीन होने वाला है। यहाँ पे सामने बंदा था, इसको बॉडी शॉट दिया हूँ, ठीक है, इसको बॉडी शॉट दिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे बहुत देर तक उठक बैठक इधर उधर किया कि बंदा यहाँ से निकले तो मैं यहाँ से भागूंगा। देख रहे हो रेड डॉट ही आ रहा है, ओनली रेड डॉट आ रहा है। जोन एकदम छोटा हो गया, जोन पूरा छोटा हो गया, ठीक है, जोन पूरा छोटा हो गया। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ जस्ट पीछे से, क्योंकि पीछे यहाँ पे पूरा चारों तरफ क्लियर है। पीछे एक जिसको मैं मारा था ना, जो रिवाइव कर रहा था, उसका टीममेट था, उसका टीममेट भी यहाँ से भाग गया है। तो चलिए यहाँ पे सामने वेंडिंग मशीन दिख रहा है, यहाँ से मैं खरीदने को कुछ कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास टोकन है अभी 700। ग्लूवल तो 3 खरीदा सकता है, 3 ग्लूवल खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे पीछे से फटाक से निकलता हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। सामने जीप लाइन है, मैं जीप लाइन पकड़ के यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं उतरूँगा वहाँ पे डायरेक्ट मशीन है, वेंडिंग मशीन, तो वेंडिंग मशीन में कुछ ग्लूवल मिल जाएगा, इसलिए फटाक से मैं यहाँ पे जीप लाइन पकड़ लेता हूँ।
तो चलिए गाइस, ये मेरा पहला सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो, सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करना गाइस, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे जीप लाइन पकड़ लिया, ठीक है, जीप लाइन पकड़ के वेंडिंग मशीन के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे बंदा होगा ही होगा क्योंकि वहाँ पे रिवाइविंग करने के लिए बंदा लोग खड़ा रहता है। तो गाइस इतना लंबा कॉमेंट्री करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लंबा कॉमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं साउंड डाल के वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो 4 HP है मेरे पास, यहाँ पे बॉडी शॉट दिया बंदे को, चूँकि वॉल नहीं है मेरे पास इसीलिए मैं उतना मतलब क्या बोलूँ उतना ट्राई नहीं कर सकता, उतना रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास वॉल नहीं है। और यहाँ पे इस जगह में अभी थोड़ा कवर बहुत ज़्यादा है इसलिए बिना वॉल का भी काम बन सकता है। सामने बंदा यहाँ पे भाग रहा था लेकिन इसको छोड़ दिया मैं क्योंकि मेरे घर में साइलेंसर लगा है इसलिए वो बंदा मेरे को पता भी नहीं कर सकता मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो चुका है 5 किल, ठीक है, 5 किल हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास गन अपग्रेड भी है और यहाँ पर साइलेंसर भी है इसलिए बंदे को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ से मार रहा हूँ नहीं मार रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप लूटते हुए 2 चिमकांडी बंदा देखा, ठीक है, एक तो सामने भाग रहा था यहाँ पे इसको बॉडी शॉट दिया और यहाँ पे दूसरा टीममेट भी इसका था चूँकि यहाँ पे भाग रहा था, इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा किल चोरी हो जाता है, कतई गलत सीन हो जाता जो सामने बंदा वो मेरा किल चोरी कर लेता है क्योंकि दोनों अलग अलग स्क्वाड का है। इसके बाद यहाँ पे मुझे डैमेज देता है लेकिन जो सामने वॉल लगा हुआ था वो मेरे को बचा लेता है गाइस। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस क्या होने वाला है, मैं इस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बॉडी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हेडशॉट मार के इसको नॉक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको क्लियर किया गया, यहाँ पे एक हेडशॉट और हो चुका है मेरा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे किल हो चुका है मेरा 6, अब देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे पास वॉल है यहाँ पे, 3 वॉल और ख़रीद लेता हूँ और यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ गन अपग्रेडिंग चिप, लेवल 3 का चिप कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रिपेयर किट खरीद लेता हूँ, पूरा अपग्रेड हो जाता हूँ खुद को 4X का, यहाँ पे लेवल 4 का वेस्ट भी खरीद लेता हूँ, सब कुछ खरीद लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, मेरा 6 किल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा इस क्या होने वाला, बहुत गलत सीन होने वाला है यहाँ पे मेरे साथ। अभी ज़रूर वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। जॉन एकदम छोटा हो गया, ठीक है, जॉन एकदम छोटा हो गया, मैं ग्लूवल पूरा लूटने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ले लिया हूँ जो ड्रॉप में आता है ना गन, उसमें जो 3 ग्लूवल मिलता है वो भी ले लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे टोटल बंदा भी बचा हुआ है 10, ठीक है, मेरा किल हो चुका है 6 चूँकि मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लैंडमाइन लगा देता हूँ पेटी में क्योंकि बंदा यहाँ पे पेटी लूटने आएगा ही, मैं 3-4 लैंडमाइन लगा दिया हूँ, ठीक है, तो अगर बंदा आएगा तो फंसेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे गलत सीन हो जाता है। अभी देखिए क्या होने वाला है, ठीक है, बहुत गलत सीन हो जाता है यहाँ पे। मैं थोड़ा कवर में रहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता कि वहाँ से कोई भी मार सकता है मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा अपना जगह चेंज कर देता हूँ, अपना पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। गाइस सबसे मेरा यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड का वीडियो रेगुलर आएगा, सभी लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाना गाइस। यहाँ पे छुपने का जगह बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा कवर ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे जाने से मैं फुल कवर में रहूँगा। और मेरे पास ग्लूवल हो चुका है 7, यहाँ पे भी कवर नहीं है पूरा क्योंकि कहीं से भी दे सकता है मुझे, यहाँ नीचे अच्छा खासा कवर है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ। अब यहाँ पर जॉन और छोटा हो चुका है, सामने से यहाँ पर बंदा आ रहा था, बंदा तो दिख गया, ठीक है, बस इसका खोपड़ी खोलना बाकी है। सामने ड्रॉप भी गिरा था, यहाँ पे मशीन भी है, बंदा यहाँ पे रिवाइव करने के लिए आ रहा है लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ कैसे दिया भाई, फटाक से मैं बंदे को ऊपर रस करता हूँ, ठीक है गाइस। अभी देखिए आप लोग क्या होने वाला है, यहाँ पे 6 किल तो हो चुका मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड का, 6 किल मैं निकाल चुका हूँ भाई, देखता हूँ कितना किल निकाल सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे जॉन से पीछे जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि के करेक्टर है इसलिए कुछ होगा नहीं, प्लस मेरे पास इनहेलर भी है इसीलिए मज़ा आने वाला है। और मेरा ये फेवरेट बंडल है ब्रो, ये जो मेरे पास बंडल है ना गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट बंडल है। अभी मशीन में रिवाइव कर रहा है बंदा, मशीन में रिवाइव कर रहा है, बॉडी छोड़ दिया लेकिन यहाँ पे पीछे भी ग्लूवल लगा लिया। मैं इस बंदे के ऊपर रस करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लैंडमाइन लगा दूंगा 2-3 पहले इसको मार के। चलो इसको पूरा बॉडी शॉट भर दिया, इसके बाद यहाँ पे इसको क्लियर किया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 5-6 लैंडमाइन है, यहाँ पे लैंडमाइन लगा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे 4-5 लैंडमाइन है, सभी लैंडमाइन लगा देता हूँ। अभी देखिएगा मैं अपना ही ट्रैप में कैसे फंसने वाला हूँ, देखो 5 लैंडमाइन है ना, देखो मैं अपना ही ट्रैप में कैसे फंसने वाला हूँ, ठीक है, गजब हो जाता है। मतलब बंदा मेरे ऊपर ऐसे रस करता है ना कि मैं खुद का ट्रैप में फंस जाता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना सारा लैंडमाइन लगाया, सामने बंदा है, देखिए यहाँ पे 2-3 स्क्वाड है, 2-2 बंदा करके 2-3 स्क्वाड है, ठीक है, एक ही स्क्वाड का बंदा नहीं है। यहाँ पे कतई ग्लूवल लगाया लेकिन मेरा यहाँ पे दिमाग कहाँ भटक गया था कि मैं खुद का लैंडमाइन में जाके, देखिए गलत सीन हो गया था मेरे साथ।